हेलो गाइस, आपका स्वागत है माय न्यू ब्लॉग वीडियो में। आज हम जा रहे हैं नानक सर गुरुद्वारा गजरौला बाजपुर के पास में। बाकी आपसे वहां पहुंच के मिलते हैं, गुरुद्वारे की खासियत बताते हैं। इस टाइम हम गजरौला पहुंच चुके हैं, बस थोड़ी सी दूर पे नानक सर गुरुद्वारा है। चलो चलते हैं गुरुद्वारे देखते हैं। दोस्तों इस टाइम हम नानक सर गुरुद्वारे में आ चुके हैं। बाबा जी, ये नानक सर गुरुद्वारे असी सुना है कि तू लंगर ही बनता बारू आंदा है सेवा वास्ती। बाबा जी ये हकीकत गल है? हां जी बिल्कुल जी, लंगर सारा बारे ही होता है। बाबा जी ने जन्म आए हुए हैं। अच्छा जी, आप अपने वार बजे हुए हैं? हां जी हां जी, जी ड्यूटी लगी हो उसने प्रशासन। अच्छा, ड्यूटी दे हिसाब लगा हुआ है? वार बजा आप अपना वार बजा। अच्छा अच्छा, वार बजा उसने प्रशासन होना। तो बाबा जी इत्थे असी सुना है कि एक गुल्ला भी नहींगा इत्थे गुरुद्वारे। और बच्चे सारे इत्थे पढ़ते ने। गुरुद्वारा सरोवर, सरोवर है ये गुरुद्वारे का। और आगे आपको यहाँ स्नान करने से पाप धुलते हैं, किसी को कोई रोग हो रोग कटते हैं। गाइस ये यहाँ का स्नान है जहाँ संगत आके स्नान करती है। और यहाँ जिसे भी कोई बीमारी हो रोग कट जाते हैं। और आगे आपको दिखाता हूँ यहाँ सिखों की जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं वो दिखाता हूँ। और इस गुरुद्वारे की दो खासियतें हैं, यहाँ कोई भी मत्था टेकेगा वो पैसों से नहीं वैसे टेकेगा। और यहाँ लंगर नहीं बनता, लंगर सब बाहर से आता है जितना भी लंगर आता है। और सेवेदार यहाँ 24 घंटे रहते हैं। और कुछ बच्चे यहाँ गुरुद्वारे के बारे में सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सेवा करते हैं, पढ़ाई भी होती है यहाँ। अब मैं आपको यहाँ आगे और कुछ दिखाता हूँ, यहाँ जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं दोस्तों, ये आप पीछे मेरे देख सकते हो, पीछे जो मूर्ति बनी हुई है। और आगे आपको दिखाता हूँ यहाँ जो सिखों की दोस्तों, ये सिखों की मूर्ति बनी है जो सेवेदारों की। और बाबा जी, बाबा तो हमने काफ़ी कुछ सीखा भी और गुरुद्वारे आके देखा भी। आप भी यहाँ आइए गुरुद्वारा, इसका एड्रेस नीचे आपको मैं दे दूँगा। बाकी सरोवर में आइए और अपने जितने भी रोग हैं रोग कटते हैं यहाँ आने से।
ये यहाँ के एक स्थान है बैठने के लिए, बच्चे खेल रहे हैं, आप देख ही सकते हैं पढ़ने वाले बच्चे खेल रहे हैं। दोस्तों अब जा रहे हैं हम वापस घर पर और गुरुद्वारे आए हैं और यहाँ पर हमने काफ़ी कुछ सीखा और कुछ गुरुद्वारे से तो हम आ चुके हैं। अब रास्ते में हमें पता जमनी जमनी खाई जाए, चलो आपको जमनी। दोस्तों आप देख सकते हो जमनी बहुत मीठी है। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।